जय माता दी मित्रों, जिस प्रश्न का उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पर आए हैं उस प्रश्न का उत्तर आज के अध्ययन के दौरान इस प्राचीन पुस्तक में मुझे लिखित मिली है। तो चलिए सीधे पुस्तक में लिखित जानकारी मैं आप सभी को बताता हूँ, क्योंकि मेरी कही गई बातों को लोग गलत साबित कर सकते हैं लेकिन शास्त्र में लिखित बातों को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनिए, शास्त्रों ने कुछ फूलों के चढ़ाने से मिलने वाला फल का तारतम्य बतलाया है। जैसे 10 सुवर्ण माप के बराबर सुवर्ण दान का फल एक आँख के फूल चढ़ाने से मिल जाता है, 1000 आँख के फूल की अपेक्षा एक कनेर का फूल होता है, 1000 कनेर के फूल चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्व पत्र से फल मिल जाता है, और 1000 बिल्व पत्रों की अपेक्षा एक गुमा का फूल चढ़ाने से प्राप्त होता है। इस तरह 1000 गुमा से बढ़कर एक चिचड़ा होता है, और 1000 चिचड़ों से बढ़कर एक कुश का फूल होता है, और 1000 कुश से बढ़कर एक समी का पत्ता होता है, और 1000 समी के पत्तों से बढ़कर एक नील कमल होता है, 1000 नीलकमलों से बढ़कर एक धतूरा होता है, और 1000 धतूरों से बढ़कर एक समी का फूल होता है। अतः अंत में बतलाया गया है कि समस्त फूलों की जातिया में सबसे बढ़कर नील कमल होता है। तो इतनी रोचक जानकारी आज तक आप सभी ने नहीं जानी होगी कि बिल्व पत्र से बढ़कर भगवान को समी का फूल अति प्रिय है, और समी का फूल से भी बढ़कर भगवान को नील कमल अति प्रिय है। तो नील कमल तो इतनी आसानी से किसी को मिलने वाला तो है नहीं, लेकिन समी का वृक्ष आराम से आप 30-40 रुपए में मार्केट से खरीद के ला सकते हैं। समी के पत्तों का महत्व बिल पत्र से भी अधिक होता है, लेकिन ये गुप्त जानकारी सभी को नहीं मालूम है। ये जानकारी बहुत ही गुप्त है, लेकिन ये जानकारी आज से आप लोगों को मिल चुकी है। तो आज से आप इस चीज़ का पालन अवश्य करिएगा कि बेलपत्र तो घर के सामने लगाने के लिए लोग मना करते हैं, लेकिन समी के वृक्ष को कोई मना नहीं करता है। तो समी का वृक्ष आप अवश्य लगाइए, और उसके पत्तों को आप अवश्य चढ़ाइए, और जब उसमें फूल लगने लगे तब उस फूल को शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाइए। इससे आपको 1000 गुना अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। साथ ही इसमें और भी विशेष जानकारी लिखित है कि किसी ब्राह्मण को 100 सुवर्ण दान करने पर, यानी 100 सोना दान करने पर जो फल प्राप्त होता है वह भगवान शंकर पर 100 फूल चढ़ा देने से प्राप्त होता है। यानी भगवान शंकर को अगर 100 फूल आप चढ़ा देते हैं तो वो 100 सुवर्ण आपको स्वर्ण दान करने जैसा ही फल प्राप्त। अगर आपको भगवान शंकर के प्रिय फूल की जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।